गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हमने कल विज्ञान में जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? और जिन्होंने भी नोटबुक नहीं दी है तो प्लीज़ बच्चों आके देखे जाओ, परसों तक देखे जाओ। जितना जल्दी तुम दोगे तो हम चेक करके ले लेंगे, सबकी आ जाएगी, तो मैं हल करना भी बता दूँगी आपको, ठीक है? तो हमने लेसन सिक्स में जंतु ऊतक के कितने प्रकार पढ़े बच्चों? चार प्रकार। कल कौन सा प्रकार पढ़ा? एपिथेलियम ऊतक। इसके कितने चार प्रकार बताए? शल्की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित। ये चार प्रकार मैंने आपको बताए थे, आपको याद है? मैंने ये चित्र भी बनाए थे, ये वाले याद है? तो ये सब हमने सीख लिया। अब बाकी इसके कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो अभी आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको, देखो ये एपिथेलियम मैंने आपको पढ़ा दिया, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ संयोजी ऊतक। अब देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब कनेक्शन, कनेक्ट करना, जोड़ना। तो ये जोड़ने का जो काम है वो करता है संयोजी ऊतक। तो आप जानते हो हमारे शरीर का 30% भाग संयोजी ऊतक से बना हुआ है। मैं पढ़ के भी सुना रही हूँ। संयोजी ऊतक यानी जोड़ना। किसको जोड़ना? अंगों को जोड़ना अथवा ऊतक को परस्पर जोड़ने का कार्य। बहुत सारे हमारा शरीर किसका बना हुआ है? ऊतक का। पहले कोश का बना हुआ है, कोश मिलकर क्या बना रहे हैं? ऊतक बना रहे हैं। तो ऊतक को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। समझ गया? तो और इनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत सारी है, ठीक है? तो संयोजी ऊतक में क्या होता है, जो स्थान होता है, देखो आंतर कोशिकीय स्थान, समझो ये दो कोश हैं, इनके बीच स्थान ज़्यादा होता है, बिल्कुल पास पास सटे नहीं होते, इनके बीच स्थान ज़्यादा होता है। तो संयोजी ऊतक में आंतर कोशिकीय स्थान ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, तो इसके लिए कोशिकाएं पास पास नहीं होती परंतु थोड़ी दूर दूर होती हैं, समझ गए? अब संयोजी ऊतक के भी तीन चार प्रकार हैं, पर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है अस्थि और कास्थि के बारे में, ठीक है? वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो उसके प्रकार है रक्त, लसिका, अस्थि, कास्थि, पेशियाँ और कंडरा, ठीक है? ये सब बच्चों किसके प्रकार हैं? संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुधिर यानी रक्त के बारे में। रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अब रक्त भी, रक्त के अंदर भी सिर्फ रक्त नहीं है, उसके अंदर क्या आया हुआ है? एक तरल लिक्विड जैसा भाग आया हुआ है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। बच्चों क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो वो किसका बना हुआ है? रुधिर, प्लाज्मा और कोशिकाओं का बना हुआ है, लसिकाओं का बना हुआ है। ज़्यादा डिटेल में आपके क्लास में इसमें नहीं है, देखो इसकी चित्र भी आपको बनाया हुआ है। अब जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो ना, तो आपके शरीर में RBC की मात्रा कितनी है, WBC की मात्रा कितनी है, उन सब के लिए आप जानना चाहते हो कि प्लेटलेट कम हो गई, ज़्यादा है, तो ये सब किसके अंदर होते हैं? ये सब होते हैं हमारे खून के अंदर। और इस खून में क्या होता है, जो तरल भाग है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा किसका बना हुआ है? RBC, WBC और हॉर्मोन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें किसके अंदर होती हैं? ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर। पर रुधिर के अंदर जो तरल भाग है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। तो आपको देखो इधर चित्र बनाया हुआ है, ठीक है? फिर से मैं आपको जो भी IMP होंगे आज इस बार इस लेसन के अंत में आपको बता दूंगी। और देखो यूनिट टेस्ट में कुछ घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो रक्त का क्या काम है? रक्त का काम है, हमने जो भी खाना खाया
उसको शरीर के उसको पचाना, फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और जो अपष्ट खाना है मतलब जो पचा हुआ खाना नहीं है उसको उत्सर्जित अंगों के द्वारा, मतलब वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर में, यूरिन है या मल है, उसको हमारे शरीर से निकालने का काम करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे रक्त के बारे में बता दिया। अभी आगे आते हैं संयोजी ऊतक का दूसरे भाग है अस्थि। कहते हैं ना हमारा शरीर अस्थियों का बना हुआ है, मतलब हड्डियों का ढांचा है। आज अगर ये हड्डियाँ ही नहीं होती तो आपके शरीर के जितने भी कोमल अंग हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती। ठीक है, तो हमारे शरीर का ये जो ढांचा है वो ढांचा पूरा कंकाल का बना हुआ है। हमारे शरीर को आकार किसने दिया हुआ है? अस्थियों ने। तो अस्थि क्या है? संयोजी ऊतक है, हड्डियाँ। अपन कहते हैं ना अस्थियाँ परवान करने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जैसे ये पूरी एक बिल्डिंग है, ये ब्लॉक्स ये लगे हुए हैं, पर इसकी अस्थियाँ क्या है? इसकी अस्थियाँ हैं, हम इसमें लोहे के छत बनाते हैं, लोहे के खंभे लगाते हैं। अगर ये लोहे की छत नहीं हो, ऊपर तो ये सीमेंट बना गया है, लेकिन असली ढांचा किससे बना है? लोहे से बना है ना। तो हमारा शरीर का भी जो ढांचा है वो किसके द्वारा बना हुआ है? अस्थियों के द्वारा बना हुआ है। और ये अस्थियाँ शरीर को आकार देने का काम करती हैं। पंजर का निर्माण, यानी हमारा जो पूरा बॉडी का जो पंजर है उसका निर्माण कौन करती है? अस्थियाँ करती हैं। आकार देने का काम, हमारे शरीर को आकार देने का काम, और हमारे शरीर के जो नाजुक अंग है, हृदय है, फेफड़े हैं, अंदर जो भी कोमल अंग है, सबकी सुरक्षा कौन करता है? ये अस्थियाँ करती हैं। और अस्थि कोशिकाएं आखिर बनी किसकी होती हैं? कहते हैं ना हड्डियों को मजबूत करो, अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी तो टूट जाएंगी, है कि नहीं? तो उसके लिए आखिर हड्डियाँ बनी किसकी होती हैं? तो हड्डियाँ बनी होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस की। किसकी बनी होती हैं बच्चों? कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम में हर बार पूछा जाता है अस्थि और कास्थि के बीच अंतर बताओ। अब आता है कास्थि या उपास्थि। अब जैसे अस्थि हार्ड थी हड्डी जो टूट नहीं सकती थी, लेकिन कास्थि ऐसी हड्डी है जो नरम हड्डी है, लचीली है। देखा है आपको लचीली, जो हम मोड़ सकते हैं, जैसे देखो कान है, कान की जो हड्डियां हैं मोड़ सकते हैं कि नहीं? तो ऐसी हड्डियों को हम नरम हड्डी कहते हैं, लचीली कहते हैं, ये कहलाती है उपास्थि। कास्थि इसको कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो कोशिकाओं में, इनमें कोशिकाओं में स्थान होता है, ये हड्डियाँ नरम होती हैं और ये शरीर को क्या देती हैं? शरीर को लचीलापन देती हैं। तो हमारे नाक, कान, कंठ, श्वास नली सब जगह कौन सी आई हुई है हड्डियाँ? अस्थि नहीं, कास्थि आई हुई है, या उपास्थि कह सकते हैं, कार्टिलेज, नरम हड्डियाँ जिनको लचीली होती हैं, जिनको मोड़ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संयोजी ऊतक और भी स्नायुओं का बना होता है। आखिर स्नायु क्या काम करते हैं? स्नायु करते हैं कि जो जो अस्थियां हैं, जो दो अस्थियां हैं, समझो ये दो अस्थियां हैं, तो इनके सिरों को जोड़कर एक दूसरे से बांधकर शरीर, देखो सारी एक एक अलग अलग होती है, लेकिन उन सबको देखो जैसे जोड़ने का काम कौन करती है? पेशियां। किसको जोड़ने का काम? अस्थियों को जोड़ने का काम, सारी अस्थियों को पंजर बनाने का काम, ये सब काम करती हैं पेशियाँ। देखो ऊपर लगा हुआ है ना, ठीक है। और उसके बाद आता है कंडरा। कंडरा क्या करता है? कंडरा भी पेशियों को जोड़ता है। पेशियों ने किसको जोड़ा? अस्थियों को। अब संकुचित और फैलने वाली पेशियों के सिरों के बीच होती हैं और उनको बांधे रखती हैं, जो संकुचित होती हैं और फैलती हैं हमारी पेशियाँ। हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं तो पेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं, तो इन सब में मदद कौन करता है? कंडरा। तो आज बच्चों मैंने संयोजी ऊतक के बारे में बताया। संयोजी ऊतक के प्रकार हैं रुधिर, इसके अलावा अस्थि, कास्थि, और इसके अलावा पेशियां और कंडरा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संयोजी ऊतक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अभी बाकी मुझे सिखाना है पेशीय ऊतक। हमारा बाकी क्या रह गया बच्चों? ये रह गया पेशीय ऊतक और तंत्रिका
तो ये दोनों पाठ हम परसों करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो पेपर दे के जाओ। ठीक है, बाय, टेक केयर।